चो कैसे हो आप सब मैं और आज मैं आप सभी के लिए लेकर नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, और बहुत ही और वैसे हम लोगों ने गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व बहुत अच्छे से कवर कर लिया है आज एक ही शॉट में यह पूरा चैप्टर हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करने वाले इसीलिए शुरू से लेकर आखिरी तक आप सभी बच्चों को क्लास में रहना है इस वीडियो की लिंक ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दो जल्दी से बुला लो सारे दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करना इस वीडियो को जरूर करना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन हिट करना नहीं भूलना है शुरू कर रहे हैं हम आज की क्लास और आज की क्लास शुरू करने से पहले फटाफट से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कौन कौन

चुंबकीय के लिए चुंबकीय द्विध्रुव के लिए भी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति आप लोगों को करना होगा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य और स्थिति ऊर्जा कैसे निकालते हैं जैसे कि हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने बल आघूर्ण निकाला था, था। विद्युत क्षेत्र के बारे में जब पढ़ा था तो ये सारे रिलेटेड टॉपिक्स आप लोग ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र के टॉपिक में जो है कर चुके हो ठीक है तो ये टॉपिक्स था जो आज हम कवर करने वाले हैं और चुंबक वैसे बचपन में आप लोगों ने मैग्नेट से काफी ज्यादा खेला होगा और वैसे मैग्नेट चीज ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मतलब जितने भी जादूगर होते हैं ना ये सारे के सारे जादूगर जो है ना ये सारे मैग्नेटिज्म का ही इस्तेमाल करते हैं जो कि हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बहुत मजा आता है क्या क्या कभी आप लोगों ने बचपन में कोई मैजिक शो देखने गए थे हाँ कि ना जल्दी से कमेंट में लिख करके बताना है बिल्कुल ये सारे मैजिशियन जिस तरीके से ये आ, मतलब

सोच रहे हो इतने बड़े बड़े मशीन जो हम बनाते हैं बनते हैं यहाँ पर ये सारे जितने भी प्रोसेस होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में है ना वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं देखो इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर आ, मतलब बहुत मैकेनिकल चीजें मतलब कि जो भी आप लोगों ने अलैंथ क्लास में पढ़ा होगा आ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने घूर्णी गति और घूर्णी गति के अलावा वृत्तीय गति और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जो है गति के नियम या और चैप्टर में घर्षण चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा ठीक है वहां पर जो जो मतलब कि ये इन मशीन्स में जो वो सारी चीजें होती है उन पर जो विद्युत चुंबकीय जो फेनोमेना लगते हैं वो आप लोग जो है आज क्लास ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो और बिल्कुल इस चैप्टर में पढ़ोगे काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और भी खूबसूरत पिक्चर्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आई थिंक आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो चैप्टर्स हम ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहे हैं जो चैप्टर हम लोगों ने इलेवंथ में ऑलरेडी पढ़ रखा है उसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में किस तरह से किया जाता है भाई बहुत बहुत काम काम की है, बहुत काम की चीज चीज है 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 ज्यादा जो आप लोग पढ़ने जा रहे हो ठीक तो शुरू करते हैं चुंबक तथा इसके गुण से भाई चुंबक बिल्कुल आप देख रहे हो यहां पर पिक्चर में लोहे और लौह तत्व जहां जहां पर होता है लोहा निकेल कोबाल्ट इस तरह की चीजों को क्या करता है अपनी ओर आकर्षित करता है तो वह पदार्थ जो क्या करता है चुंबकीय वस्तु जैसे कि लोहा कोबाल्ट और निकिल जैसी चीजों को क्या कर लेते हैं अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं चुंबक कहलाते हैं और चुंबक के चुंबक में क्या होता है वस्तुओं को आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुण पाया जाता है ध्रुव ध्रुव को बोलते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो वहां पर प्रतिकर्षण का गुण भी देखा जाता है फिलहाल यहाँ पर मैग्नेट जो है लोहे से बनी चीजों को क्या कर रहा है आकर्षित कर रहा है और थोड़ी देर के लिए ये लोहे से बनी चीजें लौह चुंबकीय लौह

हम जब विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं तो वहां पर चुंबकीय गुण देखे जाते हैं चुंबकत्व है। का प्रवाह देते हैं चुंबक कई प्रकार है और क्या क्या प्रकार है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले तो भाई प्रकृति में आपको पता है छोटी कक्षाओं में खनिज पदार्थ लवण पदार्थ और बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो कि हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ जो है ये ये भी ये भी जो है प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं और बिल्कुल मतलब इनका शेप अगर मैं बताऊं तो सिंपली इस तरीके से किसी शेप में होता है और मतलब इसका जो है ना इसमें मतलब कि आकर्षण का गुण थोड़ा कम पाया जाता जाता है है इसको प्रॉपर प्रा, कृत्रिम रूप से जब बनाया जाता है ना तब जाकर के ये जो कृत्रिम चुंबक है स्थायी चुंबक के रूप में जो हम लोगों को मिलता है ये असली काम की चीज है यहाँ इसके पहले जो मैंने की आपको पिक्चर दिखाई है ये आपका जो है कृत्रिम चुपका चुंबक है कृत्रिम में स्थायी चुंबक है जिसमें चुंबकत्व का गुण रूप से प्राप्त होता है जैसे कि मैंने आप लोगों को सारे, इसके पहले ये बहुत सारे बहुत सारे दिखाए ना यहां पर बिल्कुल ये देखो बिल्कुल स्थायी चुंबक होते हैं कृत्रिम आप लोग बचपन में जो खेलते रहे होगा ना वो भी एक स्थायी चुंबक ही है अस्थायी चुंबक की बात करें तो में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कृत्रिम रूप से जिसको तो हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं और वैसे हम लोगों ने परिनालिका में जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा गुण एक अस्थाई चुंबक का है इस चैप्टर में भी हम उसको क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पूरा परिनालिका और उसके जो भी गुण है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ये तो हो गए चुंबक के प्रकार अब हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में तो चुंबकीय द्विध्रुव ठीक है तो एक चुंबक एक चुंबक अगर मान लो है तो इसके जो है बिल्कुल जो है इसमें जो है दो ध्रुव होंगे जिसको हम उत्तरी ध्रुव और क्या कहते हैं दक्षिणी ध्रुव कहते हैं ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं ये मैंने आपको गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व चैप्टर जब शुरुआत में पढ़ाया था तो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है पर कोई बात नहीं एक क्विक रिवीजन मैं आप लोगों को अभी यहां पर करवा देती हूं इसको जितने भी टुकड़ों में आप तोड़ोगे हर बार हर बार इसके जितने भी टुकड़े आप कर लोगे हर बार हर टुकड़े में क्या, क्या होंगे इनके उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के जोड़े होंगे ठीक है क्या होंगे इनके उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के जोड़े होंगे ठीक है और ये ध्रुव ही क्या ये ध्रुव ही क्या कहलाते हैं अब जोड़े में है ठीक है एक उत्तरी है एक दक्षिणी है ठीक है मतलब की ये वाला सीधा उत्तरी ध्रुव वाला जो है धनात्मक रूप में होता है और दक्षिणी ध्रुव वाला जो है ऋणात्मक रूप में रहता है ठीक है ऋणात्मक ध्रुव होता है तो ये जो है क्या कहलाता है द्विध्रुव कहलाता है

ठीक है और यहां पर भी यहाँ पर जो है पर पर आपको एक चेंजेस देखने के लिए मिलेगा ध्रुव प्रवणता होती है ध्रुव प्रवणता ध्रुव प्रवणता का मतलब क्या प्रबलता सॉरी ध्रुव प्रबलता इस ध्रुव प्रबलता का मतलब पहले तो इसको स्मॉल एम अक्षर से प्रदर्शित करते हैं जिसका मतलब यह होता है कि यहां पर जो चुंबक के ध्रुव होते हैं ना इन चुंबक के किनारों पर कितना प्रबल चुंबकत्व होता है मतलब कितनी चुंबकत्व की प्रबलता होती है ये क्या कहलाती है ध्रुव प्रबलता कहलाती है जिसको स्मॉल से प्रदर्शित किया जाता है और इधर धनात्मक है तो इधर प्लस एम और इधर क्या है ऋणात्मक है तो इधर माइनस एम इस तरीके से ध्रुव प्रबलता होती है और यहां पर जब हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को लिखेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और इनके बीच की लंबवत दूरी इनके बीच की लंबवत दूरी को हम यहाँ पर टू एल ले ले लेते हैं यहाँ पर हमने टू ए लिया था यहाँ पर हम टू एल लेते ले ले हैं तो बिल्कुल हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं और रिलेट करके पढ़ सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र में अक्षय और निरक्षय स्थिति जैसे पढ़ा था ना तो उसके लिए जो भी फॉर्मुले थे जहां जहां पर हम लोगों ने यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इस्तेमाल किया था वहां वहां पर आप लोगों को क्या करना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का इस्तेमाल करना और यहां पर यह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कैसी राशि होती है सदिश राशि होती है कैसी राशि होती है सदिश राशि होती है ठीक है फटाफट से आप नोट कर सकते हैं जल्दी से क्विक यहां पर नोट बना सकते हैं आप लोग <laughs> <गया> हाँ भाई और मात्रक की अगर हम बात करें मात्रक और विमा की तो क्या आप लोग बता सकते हो इसका मात्रक और विमा क्या होगा मात्रक और विमा क्या होगी इसकी ये आप लोगों को बताना है फटाफट से बताना है क्या होगा मात्रक और क्या होगी विमा क्या होगा भाई जल्दी से कोई बता सकता है कमेंट में लिख करके आपको बताना है तो इसके लिए मैं आप लोगों को यह ध्रुव प्रबलता जो है इसका मात्रक मैं आपको बता देती हूं इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर ठीक है इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर शॉर्ट में लिख देते हैं बेहतर है एम्पियर मीटर होता है ठीक है और यहां पर हम एक लंबाई का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर का वर्ग हो जाएगा आ, ध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और अगर हम क्या करें विमा की अगर हम बात करेंगे तो विमा के लिए कैसे हो जाएगा विमीय सूत्र जैसे कि अगर इसके लिए देखें ठीक है तो म, और तो है नहीं हम जब विमा विमीय सूत्र की बात करते हैं तो हम धारा के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो यहां पे तो क्या हो जाएगा एम की घात जीरो एल की घात एक और ए की घात एक ठीक है पर जब हम यहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एम की घात जीरो एल की घात दो क्योंकि मीटर का वर्ग हो गया और एम्पियर ए की घात ए ये हो जाएगा क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र ठीक है अब विमीय सूत्र देखने के बाद इसके अगर हम गुणों की बात करें तो बहुत सारे गुण हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं ऋण से धन की और चुंबकीय द्विध्रुव आघू की दिशा होगी आकर्षण का गुण प्रतिकर्षण का गुण आप सभी को गुणों के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो इसलिए हम बेहतर है कि हम जो है आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे किसकी परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघू की हम बात करेंगे तो बिल्कुल जो है आप नाभिक के बारे में जानते हो बिल्कुल नाभिक होता है जिसमें अंदर में जो है इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है और इसके अलावा इसकी बाह्य कक्षाओं में क्या होता है इसकी बाह्य कक्षाओं में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है है पर जो इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं बिल्कुल परिक्रमण परिक्रमा मतलब की गोल गोल घूमते रहते हैं परिक्रमण गति जब करते हैं ये चारों तरफ क्या करते हैं परिक्रमण गति करते हैं तो ये कक्षीय गति कहलाती है ये क्या कहलाती है जब चारों तरफ घूम रहे होते हैं तो ये कक्षीय गति कहलाती है और इसके अलावा जब ये चारों

जिसकी वजह से यहां पर क्या उत्पन्न होता है यहां पर उत्पन्न होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है क्योंकि जब यहां इस तरीके से घूम रहा होता है तो इसकी दिशा होगी इधर ठीक है इसकी दिशा होगी यहां से ये देखो ऐसे इस तरीके से और इसकी दिशा होगी इधर ठीक है तो इस तरीके से जब दिशा होगी तो आप देख सकते हो यहां और यहां जो है विपरीत दिशा में है तो यहां पर भी द्विध्रुव बनते हैं और बिल्कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहां पर जो है हम लोगों को मिलता है फटाफट से आप लोग जो है डायग्राम बना सकते हैं और यहां पर जब चक्रण गति करता है ठीक है तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है क्या उत्पन्न कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ठीक है क्या है ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बिल्कुल धारा लूप की भांति है है ना किसकी भांति है धारा लूप जैसे कि आ, हम लोगों ने गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में पढ़ा है ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी मतलब तो आप लोगों ने गतिमान और आवेश तथा चुंबकत्व में में रिंग के बारे में, बायो का नियम आप लोगों ने पढ़ा का परिपथीय नियम पढ़ा उसी तरीके से यहां पर धारा लूप की भांति क्या करता है ये बिल्कुल काम करता है और इसके अलावा जब अगर हम बात करेंगे जब आप लोगों ने धारा लूप के बारे में पढ़ा था ठीक है तो वहां पर आप लोगों ने एक सूत्र निकाला था अः एन आई ए चुंबकीय क्षेत्र एन आई ए आप लोगों ने निकाला होगा जब कुंडली के लिए जब हम लोगों ने पढ़ा था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो चुंबकीय द्विध्रुव आगुण है इसका जो हम फॉर्मूला है एम एन आई ए उसी फॉर्मूला का हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है इस्तेमाल करेंगे और जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके आगे हम लोगों को यहां पर जो है ये एन जो है क्या है एन जो होती है यहाँ पे फेरों की संख्या कहलाती लाती है, है कि नहीं फेरों की संख्या कहलाती लाती है तो कितनी कक्षाएं हैं और कितनी कक्षाएं में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गति कर रहे हैं आप फे, वो फेरो कक, मतलब कक्षाओं की संख्या को यहाँ पर जो है फेरों की संख्या के रूप में आप ले सकते हो आई का मान हम लोगों को यहां पर रखना है आई बराबर क्यू बटे टी आई बराबर क्यू बटेटी और एरिया हम ले सकते हैं क्या पाई आर का वर्ग आर जो है इस जिस कक्षा में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन इस कक्षा की जो त्रिज्या है इस कक्षा की जो त्रिज्या है वो आपकी क्या कहला जाएगी यहाँ पर आ,

दो पाई बटे अगर हम यहां यहां पे रखेंगे क्या v बटे r हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा दो पाई r बटे v ये आपका जो है परिक्रमण काल का सूत्र हो जाएगा इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछता है अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक फॉर्मूला आपका बार बार यूज होगा दूसरा ये वाला फॉर्मूला जो है आपका जो है बार बार यूज होने वाला है बिल्कुल इसको बॉक्स बना करके आप लोग क्या कर सकते हो नोट डाउन कर सकते हो नोट डाउन कर सकते हो आप बिल्कुल इसको बॉक्स में हाँ, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल आपका इस्तेमाल होता है हर जगह आपका यूज होता है ठीक है एक ये फॉर्मूला भी है चुंबकीय आघूर्ण का है ना ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला ठीक है अब अब जैसे कि हम लोगों को यहां पर जो है टी पता चल गया है ना टी पता चल गया यहां पर क्या पता चल गया हम लोगों को टी और हम लोगों के पास यहां पर जो है विद्युत धारा आई हम लोगों को चाहिए ठीक है यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो है आ, स्वरूप बदलने के लिए हम लोग आई और ए का मान रखेंगे तो यहां पर आई का मान हम लोगों को यहाँ पर परिक्रमण काल का मान रखना है तो इसको भी हम रख के देख लेते हैं यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का आ, आई बराबर आई बराबर दो पाई आर बटे टी के सॉरी आई बराबर क्यू बटे टी हमारे पास है टी के जगह में अगर हम मान रखेंगे क्या दो पाई आर बटे वी v को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा क्यू वी बटे दो पाई आर ये हम लोगों को मिल गया क्या विद्युत धारा का सूत्र मिल गया हम लोगों को चुंबकीय मतलब इस चुंबकत्व के केस में जब हम परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं इस केस में हम लोगों को मिल गया ये वाला सूत्र और अगर हम यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला एन आई ए यहां पर जो है हम आई के जगह में ये वाला वैल्यू रख देंगे ठीक है आई के जगह में ये वाला वैल्यू रख देंगे ये हो जाएगा क्या एन इन टू क्यू वी बटे दो पाई आर ठीक है एक ही जगह में हो सकता है पाई आर का वर्ग आर जो है कक्षीय चाल कक्षीय गति जो हो रही है उसकी त्रिज्या है ठीक है तो यहां पे हम लोगों को जो है ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मिला अब यहां पर क्या कर सकते हैं ये पाई और ये पाई जो है बिल्कुल कैंसिल हो सकता है एक आर यहां पर कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों को यहां पर क्या मिल जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र एन है क्यू वी आर बटे दो क्यू वी आर बटे दो हाँ बिल्कुल क्यू वी आर बटे दो और यहां पर अगर आप n की संख्या अगर यहां पे क्यू वी आर बटे दो एन है यहां पर अगर n की संख्या एक है तो n की संख्या एक के लिए आपका यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा क्यू वी आर बटे दो ठीक है तो ये आप नोट कर सकते हो फटाफट से ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो है सूत्र निकल गया परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए किसके लिए परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए और वैसे यहां पर जब कक्षीय गति के साथ साथ अगर चक्रण गति हो रही है तो और भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को याद रख लेने चाहिए ध्यान मतलब बिल्कुल याद कर लेने चाहिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट है वो जो कॉन्सेप्ट आप लोग कणों के निकाय तथा घूर्णी गति में आप लोगों ने पढ़ा है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर परिक्रमण करते हुए

तो कोणीय संवेग है अक्ष के परिता कोणीय संवेग जो है इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और ये r और ये v वेग से घूम रहा है जिसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं mv r ये हो गया क्या परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हो गया ठीक है अब ये जो कोणीय संवेग का हम लोगों ने फार्मूला लिखा है है ना ये तो हो गया इसको आप इक्वेशन वैसे हम सारे इक्वेशन में इक्वेशन नंबर डाल देते हैं तो ज्यादा बेटर होगा uh, सबसे पहले इसमें हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर वन ठीक है one, उसके बाद हम इसमें लिख देते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर टू ठीक है इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन मिला है हम इसमें लिख देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री और यहाँ पर ये जो है कोणीय संवेग का रिलेशन इसमें हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर चार अब ज्यादा बेटर होगा इक्वेशन नंबर हम लोगों ने डाल दिया है ठीक है अब जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर तीन और इक्वेशन नंबर चार जो हम लोगों ने निकाला है ठीक है इक्वेशन नंबर तीन और इक्वेशन नंबर चार जो हम लोगों ने निकाला है यहां हम लोग क्या करेंगे ये तीन नंबर वाले इक्वेशन को हम एक बार लेते हैं फिर से लिख लेते हैं एम बराबर क्यू वी आर बटे दो और हम क्या करेंगे इसमें अगर हमको इस फॉर्मूले को कोणीय संवेग के रूप में लिखना है तो क्या लगता है आपको कमेंट में लिख करके आपको बताना है क्या लगता है कि अगर हम लोगों को ये फार्मूला जो है इस कोणीय संवेग के रूप में अगर लिखना है हमको तो क्या करना चाहिए क्या हम यहां पर जो है ध्रुव प्रबल मतलब कि यहां पर जो है m बटे एम ठीक है m बटे एम जो मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ठीक है m बटे एम ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं भाई अगर हम इस तरीके से गुणा करेंगे तो आप देख सकते हो यहां पर हम लोगों को क्या मिल रहा है एम वी आर मिल रहा है क्या हम यहां पर एम वी आर के जगह में कोणीय संवेग एल रख सकते हैं कोणीय संवेग एल कैसे होता है क्या होता है एंड मैं ये करके चल रही हूं कि आप लोगों को पहले से आता है और आना चाहिए अगर नहीं आता है तो आपको जो है बिल्कुल इलेवेंथ को वापस से थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है जरूर कर लेना हाँ कि ना जल्दी से कम, कमेंट में लिख करके आपको बताना है फटाफट से यहां पर हम लिख लेंगे क्या क्यू uh, एल बटे दो एम ये हम लोगों को मिल गया द्विध्रुव आघूर्ण और कोणीय संवेग के बीच का रिलेशन हम लोगों को मिल गया और ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है न्यूमेरिकल और इसको अगर हम सदिस रूप में व्यक्त करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से आवेश तो जो होता है अधिस राशि होती है पर कोणीय संवेग हमारी सदिश राशि है इसको जो है हम सदिस रूप में इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं इसको भी हम इक्वेशन नंबर डाल लेते हैं इसको भी हम इक्वेशन नंबर डालेंगे क्या पांच नंबर इक्वेशन डालेंगे ठीक है जल्दी से फटाफट से नोट कर लो सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई हुई है ठीक है हां अब यहां पर थ्योरी क्या लिखी है एक बार हम देख लेते हैं ठीक है ए परिक्रमण अथवा चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप की भांति व्यवहार करता है हाँ भाई इसके बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं धारा लूप का मतलब ये है कि जो भी हम लोगों ने गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में पढ़ा है उस समय ठीक है बिल्कुल एक

धारा लूप लेते थे और यहाँ पर हम एक कक्षा को धारा लूप की भांति मान रहे थे तो धारा लूप में वो फेरों की संख्या हुआ करती थी यहाँ पर जो है कक्षाओं की संख्या हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर पांच में ये जो दिशा है यहां पर अगर मैं दिशा की बात करूं ठीक है तो यहां पर दिशा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो ये द्विध्रुव आगुण है इसकी दिशा और इस संवेग की दिशा एक जैसी ही होगी क्योंकि अगर विपरीत दिशा होती तो ऋणात्मक चिन्ह होता ऋणात्मक चिन्ह आप लोगों को प्रदर्शित कर देता पर क्योंकि दोनों सदिश राशियां हैं तो हम लोगों को दिशा की बात करनी है यहाँ पर जो है एम और एल दोनों की सेम दिशा होगी समान दिशा होगी सेम दिशा ठीक है तो ये आप जो है लिख सकते हो एक जैसी दिशा होगी फटाफट से आप लोगों को नोट कर लेना है ठीक है इसके बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या चुंबकीय परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण हमारा कंप्लीट हो चुका है चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के हम बारे में हम बात करेंगे वैसे हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पर जब हम वो चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे थे तब जो है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था वैसे चुंबकीय क्षेत्र को हम प्रदर्शित तो बी से ही करते हैं ये सदिश राशि ही है इसका मात्रक टेस्ला गॉस जो भी हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी वो सारा कुछ ही होगा पर इस बार जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक चुंबक की वजह से है किसकी वजह से है चुंबक की वजह से है तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है और अगर मान लो कि यहां पर मैं एक चुंबक बना लू इस तरीके से जिसके दो ध्रुव होंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ठीक है तो यहां पर चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा उत्पन्न और इस चुंबकीय क्षेत्र अगर यहां पर उत्पन्न होगा तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हम यहाँ पर बनाएंगे तो बिल्कुल, की दिशा और का प्रभाव जो है बिल्कुल उसी तरीके से होगा पर बस अंतर इतना है कि यहाँ पर जो है हम चुंबक के ओर तरफ की बात कर रहे हैं इसके पहले हम जो चालक तार होती थी जब उसमें विद्युत धारा बहाते थे आवेश गतिमान जब होते थे तो ये बात हो गई दूसरे शब्दों में कैसे कर सकते हैं किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एक काल्पनिक एक कांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल के बराबर होती है यहां पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे काल्पनिक एकांक एक का उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल के बराबर होती है जैसे कि यहां पर मान लो कि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर यह बिंदु उत्तरी उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव पर यहां पर जितना बल लग रहा होता है कौन सा बल चुंबकीय बल ठीक है कौन सा बल चुंबकीय बल लग रहा होता है उसके बराबर होता है और चुंबकीय बल हम लोगों ने जो है वैसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ा है जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता विद्युत धारा और चुंबकीय बल की हम बात करते थे बट फिलहाल यहाँ पर केवल और केवल चुंबकीय चुंबक है तो यहाँ पर चुंबकीय बल कैसे निकलेगा तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर हम यहाँ पर देख रहे हैं उस बिंदु पर जो है उत्तरी ध्रुव पर कितना चुंबक का बल लग रहा

दो ध्रुव जो है, एक दूसरे को क्या करेंगे यहां पर प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे और, दो और एक दक्षिणी अगर है, है अगर है तो यहां पर क्या देखा जाएगा आकर्षण का गुण देखा जाएगा और जो भी बाकी सारी डिटेल्स है ऑलरेडी हम गतिमान में पढ़ चुके हैं एंड आप लोगों को वो सारी चीजें जो है बिल्कुल पता होनी चाहिए और यहाँ पर दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल उनकी ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल फल के अनुत्क्रमानुपाति होता है तथा ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्रमानुपाति होता है इसका मतलब जो हम चुंबकीय बल की अभी बात कर रहे थे ठीक है यहां पर जो चुंबकीय बल की हम बात कर रहे हैं ना ये देखो हाँ लगने वाले चुंबकीय बल के बराबर होता है मान लो कि यहाँ पर चुंबकीय बल को जो है मैं ऐप से रिप्रेजेंट कर रही हूं तो ये जो चुंबकीय बल है इसका परिमाण हम कैसे निकाल सकते हैं तो याद करो विद्युत बल स्थिर विद्युत बल का परिमाण आप कैसे निकालते थे गुलाम का नियम वैसे आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में या बैठ गया होगा मुंह जबान याद होगा आपको बिल्कुल कंठस्थ होगा जैसे हम स्थिर विद्युत बल निकालते थे तो वहां पर आवेश की वजह से निकालते थे उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे ध्रुव प्रबलता की वजह से निकालेंगे जैसे कि यहाँ

एम वन एम टू बटे आर का वर्ग हो जाएगा अगर हम समानुपाति का चिन्ह हटाएंगे तो चुंबकत्व के केस में क्या होता है भाई नियतांक म्यून बटे चार पाई क्या होता है अच्छा विद्युत के, के केस में क्या होता है कमेंट में लिख करके बताना है जल्दी से फटाफट अभी कमेंट में लिख करके बताना है विद्युत के, के केस में क्या होता है चुंबक के केस में म्यू नॉर्ट बटे चार पाई होता है और यहां पर एम वन एम टू बटे आर का वर्ग तो ये मिल गया आप लोगों को क्या चुंबकीय बल क्या मिल गया चुंबकीय बल ठीक है फटाफट फड़ से नोट कर लो चुंबकीय बल के बारे में और यहां पर जो है म्यू जो है म्यू नॉट जो है उस केस में है अगर मान लो कि वायु या निर्वात है इस केस में है अगर वायु या निर्वात ना हो तो उस केस में जो है हम चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं म्यू बटे चार पाई और यहाँ पे ध्रुव प्रबलता एम वन एम टू बटे आर का वर्ग हो जाएगा ठीक है ये कब के केस में अगर मान लो कि यहाँ पे वायु या निर्वात ना होकर के कोई और माध्यम है और यहाँ पर ये यह जो म्यू है म्यू बराबर क्या होता है म्यू नॉट और म्यू आर का जो है गुणनफल होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकशीलता और बिल्कुल माध्यम की चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता आई होप आप लोगों को पता है ठीक है सारी चीजें ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम चुंबकीय बल हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं जल्दी से फटाफट से आप लोगों को नोट करना है इसके बाद इसके बाद जो चुंबकीय बल है ठीक है इसके बाद ये जो चुंबकीय बल है यहाँ पर ठीक है इसको नोट कर लो भाई जल्दी से फटाफट फट्ड से अब यहाँ पर जैसे कि अगर केवल चुंबक की मैं ध्रुव प्रबलता यहाँ पर बनाऊँ ठीक है यहाँ पर मैं ना ध्रुव प्रबलता को केवल बना रही हूँ एम वन एम टू में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है ये मान लो आपका एम वन है और ये मान लो आपका क्या है एम टू है ठीक है और इसको अगर मैं बनाती हूँ बीच की दूरी हम लोगों ने क्या लिया हुआ है आर ये एम वन और ये एम टू ठीक है तो जैसे हम लोगों ने सदिश रूप रू रू में व्यक्त किया था चुंबकीय विद्युत बल को जैसे हम लोगों ने सदिश रूप में व्यक्त किया था तो यहां पर जो है एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल लग रहा था दूसरे के कारण पहले पर बल लग रहा था ठीक है तो जब यहां पर पहली ध्रुव प्रबलता के कारण दूसरी ध्रुव प्रबलता पर अगर बल लग रहा होगा ठीक है अगर मान लो कि यहां पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है मान लो ठीक है वैसे तो यहां पर आकर्षण बल की ही बात होगी केवल क्योंकि क्योंकि यहां पर जो है जोड़ा होता है किसका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का तो एक धना और एक ऋणात्मक होता है तो यहां पर जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा बिल्कुल आकर्षण बल लगेगा ठीक है आकर्षण बल लगेगा और आकर्षण बल लगेगा, अगर इस m1 के कारण इस m2 पर बल लगा क्या अगर m1 के कारण इस m2 पर जो बल लगेगा ठीक है इसको हम क्या करेंगे आ, यहां पर जो है इसको आ, बिल्कुल हम एफ वन टू से प्रदर्शित करेंगे एम टू के कारण अगर एम वन पर बल लगेगा तो यहां पर जो है इसको हम एम टू वन से प्रदर्शित करेंगे ठीक है एम टू वन से प्रदर्शित करेंगे और बिल्कुल जैसे हम लोगों ने सदिश रूप में व्यक्त किया था विद्युत बल के केस में वैसे ही सारी चीजों को आप लोगों को यहां पर क्या करना है व्यक्त करना है ठीक है जल्दी से नोट कर लेंगे फटाफट यहां पर जो है आ, यहां पर आ, इस चीज को हम एक बार फिर से देख लेते हैं इस चीज को हम एक बार फिर से देख लेते हैं ठीक है यहां पर हो सकता है कि यहां पर F12 टू और F1 में आप लोगों को कंफ्यूजन हो ठीक है जैसे कि ये चीज आप लोग अगर नोट कर लियो ना एक बार हम इसको फिर से देखते हैं यहां पर आ, ये हो गया हमारा मान लो कि एक ध्रुव प्रबलता इसको मैंने लिख दिया एम वन ठीक है इसको मैंने लिख दिया क्या एम टू और इन दोनों के बीच की दूरी क्या लिख दिया मैंने आर लिख दिया ठीक है अब यहाँ पर ध्रुव सामर्थ्य है क्या इसको लिख लो इसका डायरेक्शन लिख लो फटाफट से ध्रुव सामर्थ्य है ये दोनों के दोनों है ना ध्रुव सामर्थ्य या फिर ध्रुव प्रबलता हम इसको बोलते हैं ध्रुव सामर्थ्य है या ध्रुव प्रबलता अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पर दोनों ही बिंदु पर यहां पर इन दोनों एम और एम पर इनकी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी होगी तो इनकी तीव्रता अगर बी और बी है इनकी तीव्रता अगर B1 और B2 है तो M1 के कारण M1 के कारण यहां पर M2 पर जो चुंबकीय बल लग रहा है ना M1 के कारण एम टू पर चुंबकीय बल उसकी दिशा हम यहां पर रखेंगे ठीक है उसकी दिशा मतलब बिल्कुल यहां पर इस दिशा में आ, आर दूरी पर लग रही है कितनी दूरी पर लग रही है आर दूरी पर और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे से तो प्लीज इसके पहले जो मैंने बताया उसको आप लोगों को करेक्ट कर लेना है वहां पर थोड़ा सा जो है मिसमैच हो गया था और इसीलिए मैंने आप लोगों को यह चीज फिर से बताई है यहां पर जो भी आप लोगों ने नोट किया है इसके बाद जब हम इसको सदिश रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो सबसे पहले हम दोनों की ध्रुव प्रबलता लिखे हैं दोनों की विद्युत क्षेत्र की जो सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पे हम लोगों ने तीव्रता की बात करी है इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एफ वन जो लिखा है एम वन के कारण कारण आर दूरी पर एम वन के कारण आर दूरी पर चुंबकीय बल चुंबकीय बल हम लोगों ने लिख लिया क्या एफ टू वन ठीक है ठीक इसी तरीके से यहां पर क्या होगा एम टू के कारण आर दूरी पर एम वन पर चुंबकीय बल ये होगा क्या एफ वन टू होगा और इस एफ वन टू को जो है हम यहां पर इसकी दिशा जो है बिल्कुल इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे अब इसकी दिशा जो इस तरीके से है ना अब इसके कारण इसके कारण आर दूरी पर जो बल लग रहा है, है ये आकर्षण बिल्कुल आकर्षण बल लग रहा है दोनों के बीच में ठीक है दोनों के बीच में क्या लग रहा है आकर्षण बल तो बिल्कुल आपको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि देखने में ऐसा लग, लग, लग रहा है जैसे कि प्रतिकर्षण बल लग रहा हो ठीक है देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रतिकर्षण बल लग रहा हो पर इस एम वन के कारण जो हमारे पास बल है वो ये है और इस M2 के कारण जो अः एम पर जो बल लग रहा है वो ये है और बिल्कुल इस तरीके से जो है यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है हो सकता है कि यहाँ पर डायग्राम में आपको कंफ्यूजन हो जाए इसलिए आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करके जो है अच्छे से लिख लेना चाहिए और वैसे जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है अभी F का वो फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट बटे चार पाई और यहां पे एम वन एम टू बटे क्या है R का वर्ग ठीक है और यहां पर ये जो F2, है F2, है वो क्या है एम वन के कारण एम टू पर बल है ठीक है तो यहां पर ये जो होगा वो एम वन और यहां पर क्या होगा ये एम वन बी टू ठीक है एम वन बी टू क्योंकि यहां पर लग रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है इस बिंदु पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की, की तीव्रता B1 है और यहां पर जो बल लग रहा है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की, की तीव्रता हम चुंबकीयर करेंगे ठीक है तो ध्रुव प्रबलता गुणा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो इस इस रूप रूप में में भी भी हम लोगों को लिखना लिखना है लिखना है ध्रुव प्रबलता और चुंबकीय क्षेत्र की, की तीव्रता ठीक है, है।, है, है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये जो हमारा समीकरण एक है इससे हमको क्या करना है इसको रिलेट करना है ठीक है तो जब हम क्या करेंगे इसको रिलेट करेंगे तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं एक तरफ जो है एम वन बी टू लिख सकते हैं दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं और की एक चुंबक के लिए। क्या मिल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक चुंबक के लिए गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर यहाँ पर हम लोगों को एक चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता

तो ये जो है F12 बराबर क्या हो जाएगा आपका एम टू बी वन हो जाएगा क्या हो जाएगा एम टू बी वन इसी तरीके से हम क्या करेंगे यहां पर दोनों ही इक्वेशन को हम रिलेट करेंगे और ऑब्वियस बात है कि जब भी हम इसको रिलेट करेंगे तो हम लोगों को यहां पर बी वन चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है न्यू नॉट बटे चार पाई एम वन बटे एम वन बटे आर का वर्ग हम लोगों को मिल जाएगा क्या मिल जाएगा एम वन बटे आर का वर्ग ठीक है तो ये आपको क्लियर होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों ध्रुवों पर दोनों ध्रुवों पर हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है तो ये चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी हमारा कंप्लीट हो जाता है इसके बाद अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण याद करो याद करो हमने अभी जो है चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ठीक है और यहां पर ध्रुप्रबलता एक नई चीज है जिसको हम स्मॉल तो तो की बात करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बल आघूर्ण क्या होता है याद दिला देती हूँ बल आघूर्ण क्या होता है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए जैसे कि आप लोगों ने जो है चुंबक विद्युत क्षेत्र का जब पढ़ा था विद्युत क्षेत्र लिया था एक समान विद्युत क्षेत्र जब आप लोगों ने लिया होगा तो यहाँ पर जो हम लोगों के पास क्या था चुंबक विद्युत के जो हमारे पास जोड़े थे है ना बिल्कुल विद्युत के जोड़े मान लो कि हमारे पास जो है यहां पर अक्ष से थीटा कोण पर थे तो क्या होता था यहां पर इसके यहां पर जो है बिल्कुल स्थिर विद्युत बल कार्य करता था और ये स्थिर विद्युत सॉरी यहाँ पर ये जो है एक प्रकार का बल कार्य करता था जिसको हम क्या बोलते थे प्रत्यानयन बल बोलते थे और ये प्रत्यानयन बल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये बार बार इसको कोशिश करता है प्रयास करता है इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने के लिए अरे भाई किसको किसको याद है किसको किसको याद है मैंने आप लोगों को विद्युत क्षेत्र में ये टॉपिक आपको बल आघूर्ण के रिलेटेड पढ़ाया है जब यहाँ पर जल्दी से कमेंट में लिख करके बताना है किसको किसको याद है किसको किसको याद है भाई जल्दी बताओ फटाफट से लिख करके बताना ठीक है चलो ओके तो यहाँ पर ये जो बल है बिल्कुल ये क्या है प्रयासरत बल है जिनको हम क्या कहते हैं प्रत्यानयन बल कहते हैं और ये जो प्रत्यानयन बल लग रहे होते हैं ये क्या करते हैं इनका काम क्या होता है ये जो यहाँ पर जो द्विध्रुव है ठीक है यहाँ पर जो द्विध्रुव है उनको जो है जो हमारा चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है है ना विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इस दिशा में लाने का प्रयास करते हैं क्या करते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं जिसके वजह से यहाँ पर इस बल के यहाँ पर हमारा बल युग्म का निर्माण हो रहा है यहाँ पे बल के दो जोड़े हैं एक एफ बल ये दोनों क्या है बल के जोड़े हैं जिनको हम क्या कहते हैं बल युग्म कहते हैं और बल युग्म के मतलब इन प्रत्यानयन बल युग्म के कारण जो यहाँ पर प्रभाव उत्पन्न होता है क्या उत्पन्न होता है प्रभाव उत्पन्न होता है ये क्या कहलाता है चुंबकीय द्विध्रुव बल आघूर्ण कहलाता है जैसे हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के बल आघूर्ण को भी टाउ से रिप्रेजेंट किया था यहां पर भी हम लोगों को चुंबकीय द्विध्रुव के बल आघूर्ण को आगू से ही प्रदर्शित करना है और वैसे इसका बेसिक आप आप लोगों के इलावन्त के इलावन्त के घूर्णी गति वाले चैप्टर में है जहां पर आप बल आघूर्ण की बात पढ़ते हो अगर आ, मतलब की कोई भी दृढ़ पिंड होता है तो उसको गोल घूर्णी गति करने के लिए क्या होता है दोनों तरफ से बल युग्म के जोड़े की आवश्यकता होती है जिसकी वजह से यह क्या करता है बिल्कुल जो है घूम पाता है बिल्कुल यहाँ पर घूम रहा है ये अपना विस्थापन कर पाता है यहाँ पर इस तरीके से विस्थापन जब करता है तो यहाँ पर क्या लगता है बल आगुण सेम ऐसे ही जो है आपका विद्युत द्विध्रुव में बल आगुण था और यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव में भी बल आगुण है अब विद्युत द्विध्रुव में जब आप लोगों ने बल आगुण पढ़ा था तो टाऊ बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा था चुंबकीय

एम, है ना और क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या है बी इस तरीके से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं दो सदिशों का गुणनफल है क्या है बल क्या दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है फटाफट से नोट कर लेना है और कमेंट में लिख करके आपको बताना है अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो और अगर समझ आ रहा है कि नहीं जल्दी से कमेंट में लिख करके बताओ कहां पर कोई दिक्कत हो तो बताओ ठीक है, हो गया अब यहां पर क्यों कि क्या है ये दो सदिश राशियों का क्या है आ, दो सदिश राशियों का अधिस गुणन फल है, है ना दो सदिश राशियों का अधिस गुणन फल है तो यहां पर अधिस गुणनफल के लिए हम लोगों को क्या लिखना होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और यहां पर होता है साइन थीटा ठीक है ये हम लोगों को लिखना होता है ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक जल्दी से फटाफट चुंबकीय बल आघूर्ण आप लोगों को समझ में आ गया है

यहां पर क्या है इस तरीके से चुंबक जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये चुंबक जो है बिल्कुल इस तरीके से तिरछा पर रखा हुआ है कितने कोण पर रखा हुआ है तो बिल्कुल पर पर क्या है थीटा कोण रखा हुआ है 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 ना कितने कोण कोण पर पर रखा रखा चुंबकीय अक्ष से थीटा कोण पर हुआ है। और ये बार बार क्या करेगा कोशिश करेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आने की कोशिश करेगा क्या करेगा बार बार कोशिश करेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आने के लिए तो ये रिलेट करके तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया है पर यहां पर कैसे निकलेगा एक बार इसको अभी हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर जैसे कि जो बल्क कार्य कर रहे हैं ना ये प्रत्यानयन बल यहां पर भी कार्य करेंगे बिल्कुल हम इनको क्या करेंगे एप से रिप्रेजेंट करेंगे और जब ये प्रत्यानयन बल यहां पर कार्य करेंगे तो यहां पर ये जो बल है इसका परिमाण जो है हम ध्रुव प्रबलता ध्रुव प्रबलता और कहां से निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से जो फॉर्मूला ने इस्तेमाल किया है यहां पर इसमें भी हम लोगों ने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया था है कि नहीं ये वाला फॉर्मूला ठीक है आ, ये चीज हो गया ठीक अब यहां पर अगर हम लोग जो है इसका देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी इसकी परिभाषा क्या होगी जो भी हम लोगों ने देखा ठीक है चुंबक के ध्रुवों पर लगने वाला बराबर तथा विपरीत बल ठीक है यहाँ पर बिल्कुल कहाँ पर लग रहा है ये ध्रुवों पर लग रहा है बराबर तथा विपरीत बल लग रहा है चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल लग रहा है ठीक है अब चुंबकीय बल की बात है तो हम चुंबक के ध्रुवों की ही बात करेंगे और क्षेत्र की तीव्रता जो हम लोगों ने निकाली वो भी हम लोगों ने वहीं पर ही निकाली है ये क्या बना रहे हैं एक बल युग बना रहे हैं कपल फोर्स इसको बोलते हैं है, है ना जोड़े बल के जोड़े हैं बल युग्म युग्म मतलब जोड़ा कपल फोर्स बनाते हैं जो चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर बिल्कुल ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इसके समानांतर लाने का क्या करते हैं प्रयत्न करते हैं प्रयास करते हैं प्रत्यानयन बल कहलाते हैं क्या कहलाते हैं प्रत्यानयन बल और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं और जैसे कि मैंने रिलेट करके डायरेक्टली आप लोगों को बता दिया बट अगर हम लोगों को यहाँ पर जो है इसको डिराइव करना हो ठीक है चुंबकीय द्विध्रुव के लिए अगर डिराइव करना हो तो चुंबकीय बल बराबर क्या हो गया यहाँ पर जो है ध्रुव प्रबलता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो गुणन फल यहाँ पर यहाँ पर ध्रुवों पर जो लग रहा है बिल्कुल ये एक बल का परिमाण हो गया और दोनों बलों के बीच की दूरी दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है हम लोगों ने क्या लिया था दो एल लिया था दो एल लंब दूरी की जब हम बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर थीटा कोण है ठीक है क्या है यहाँ पर लंबवत दूरी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर थीटा कोण है हमेशा जब भी इस तरीके से हम बल आगू लेते हैं तो वहां पर लंबवत दूरी ही लेते हैं ठीक है तो यहां पर ये जो लंबवत पूरी है यह जो लंबवत दूरी है वो क्या है 2l ठीक है ये लंबवत दूरी पूरी यहां पर देख लेते हैं यहां पर ये 2l है ठीक है 2l और अगर हम लंबवत दूरी की बात करें ठीक है तो हमको क्या करना होगा यहाँ पर थीटा कोण के साथ इस 2l को घटक में डिवाइड करना होगा तो ये जो लंबवत वाला घटक है ये आ जाएगा 2l एल साइन थी और ये वाला जो घटक है वो आ जाएगा क्या 2l एल कॉस थीटा तो ये जो लंबवत घटक है इसका वैल्यू को हम लोगों को यहाँ पर लंबवत दूरी की जगह में रखना होगा तो ये क्या हो जाएगा टू एल थीटा हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ध्रुव प्रबलता और ये टू इनका जो गुड़न

तो आ, तो यहां पर जो है ये साइन थीटा जो है यहां पर ये यह क्या हो जाएगा एम क्रॉस बी तो इसको जो है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं ठीक है यहां पर भी आप करेक्ट कर लो यहां पर भी जो है यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट ही आएगा क्या आएगा यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ही आएगा यहां पर भी जो है क्रॉस प्रोडक्ट ही आप लोगों का जो है होना चाहिए क्योंकि साइन थीटा अगर है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा हाँ भाई यहाँ पर कंफ्यूजन होता है जब हम यहाँ पर कार्य की बात करेंगे तो उस समय जो है स्थितिज ऊर्जा के केस में जो है हम देखेंगे कि यहां पर कंफ्यूजन है है, होते हैं तो इसलिए आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है बिल्कुल यहाँ पर जो है आपको स्टार मार्क लगा लेना है कि बिल्कुल इस चीज को हमको ध्यान में रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है ठीक है तो ये हम लोगों ने एक समान चुंबकीय क्षेत्र की में ध्रुव बल आगुण भी हम लोगों ने देख लिया है और यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है इसके बाद इसके बाद जो है अगर हम यहाँ पर बहुत सारे केसेस है यहां पर बहुत सारे केसेस है अगर आपका द्विध्रुव आघूर्ण जो है अगर एक हो तो इस केस में आपका टाऊ बराबर क्या हो जाएगा टाऊ बराबर जो है आपका बी के बराबर हो जाएगा है ना

Obviously, बात है कि जब हम लोगों ने द्विध्रुव का टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर, भी, वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो तो था तो कहीं पर भी क्या लगता है बिल्कुल किसी भी चीज को गति कराने के लिए उसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए बल लगता है और अगर बल लग रहा है तो कार्य होता है अब कार्य कर रहे हैं तो भाई कार्य कर रहे हैं तो ऊर्जा चाहिए क्लास देख रहे हैं तो खाना खाना पड़ेगा एनर्जी रहेगी तभी तो मैं क्लास ले पाऊंगी आप क्लास देख पाओगे है कि नहीं तो यहां पर भी जब हम चुंबक को घुमाने के लिए क्या कर रहे हैं यहां पर बल आघूर्ण का प्रभाव जब हम देख रहे हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ उसकी क्या होगी कुछ ना कुछ ऊर्जा ऊर्जा होगी तो इस को इस कार्य को ही हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कार्य करने की क्षमता हमारी ऊर्जा कहलाती है जिसके अनुसार इस कार्य के कैलकुलेशन से हम लोगों को क्या मिल जाएगा स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन भी हम लोगों को मिल जाएगा हमको यह कैलकुलेट करने के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है ठीक है ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है हमें इस फॉर्मूले का क्या करना होगा बिल्कुल इस्तेमाल करना होगा टाउ बराबर टाउ बराबर एम बी टाउ बराबर एम बी साइन थीटा हम लिख लेते हैं ठीक है सेम डायग्राम आपको बनाना है सेम पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना जिसको हम क्या करते हैं बी अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर मान लो कि क्या रखा हुआ है कोई चुंबक रखा हुआ है जिसकी लंबाई क्या है दो एल है और लंबवत लंबाई जो है लंबवत दूरी जो है टू एल साइन थीटा ये है और इसका जो है बिल्कुल यहां पर प्रत्यनयन बल एम बी और यहाँ पर भी प्रत्यानयन बल इस तरीके से एम बी बल लोगों को मिल रहा है जिसके कारण हम लोगों को ये बल सॉरी बल युग बल युग्म जिसके कारण हम लोगों को ये बल आघूर्ण प्राप्त हुआ ठीक है अब ये बल आघूर्ण की वजह से जो है हम क्या कर रहे हैं इसको जो है यहाँ पर थीटा कोण पर यहाँ पर क्या हो रहा है कोणीय विस्थापन हो रहा है थीटा कोण पर यहाँ पर क्या हो रहा है कोणीय विस्थापन ठीक है अब इस कोणीय विस्थापन के लिए कार्य की बात हो रही है ठीक है कार्य की बात हो रही है तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा यहां पर कार्य बराबर अब कोणीय विस्थापन हो रहा है तो मान लो कि अगर किसी छोटे से कार्य बराबर क्या होता है सबसे पहले याद दिलाऊं बल गुणा विस्थापन होता है ठीक है क्या होता है बल गुणा विस्थापन पर यहां पर जो विस्थापन हो रहा है थीटा कोण के साथ हो रहा है ये कोणीय विस्थापन है कैसा विस्थापन है कोणीय विस्थापन है तो ये कोणीय विस्थापन कितने भी डिग्री कोण का हो सकता है तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है छोटे से छोटे से कोण के लिए लेंगे तो अगर हम छोटे

आ, उसके लिए किया गया कार्य जब हम लोगों ने निकाला था स्थितिज ऊर्जा हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया था तो बल की जगह में यहां पर हो जाएगा क्या बल आघूर्ण ठीक है अब अगर हम लोगों को मान लो कि कितना कुल कुल कितना विस्थापन हो विस्थापन हो रहा है कोण में के लिए किया गया अगर कार्य हमको निकालना है तो क्या करेंगे अगर दोनों पक्षों में हम समाकलन कर देंगे तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा यहां पर दोनों पक्षों में समाकलन करने के बाद कुल कार्य निकल जाएगा किया गया कोणीय विस्थापन के लिए थीटा कोण के लिए कुल कार्य कितना किया जा रहा है यह हमारा निकल निकल जाएगा और ये जो है बिल्कुल यहां पर लिमिट आप रख सकते हो थीटा वन से थीटा टू अब जाहिर सी बात के लिए निकालना है तो वो उसकी लिमिट हो जाएगी क्या हो जाएगी वो उसकी लिमिट हो जाएगी और अगर आपको इसका डेरिवेशन समझना है तो सिंपली आपको क्या करना है आगे यहां पर जो है बल आघूर्ण का मान आपको रखना है जो आप लोगों ने पहले निकाला है mb mb sin थीटा और यहां पर d थीटा और यहां पर sin थीटा का क्या करोगे Thi, d थीटा के रिस्पेक्ट में आप लोगों को क्या करना है समाकलन करना है ये समाकलन आप कर सकते हो खुद से आप समाकलन कर सकते हो जैसे ही आप समाकलन करोगे तो समाकलन करने से किया गया कार्य क्या मिल जाएगा करके बताओ फटाफट फड़ से करो चलो करो समाकलन करो sin थीटा का d थीटा के रिस्पेक्ट में करो भाई कमेंट में लिख करके बताओ क्या मिलेगा समाकलन करो फटाफट वड़ से कर लो थीटा वन और थीटा टू के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट में लिख करके बताओ फटाफट वड़ से बताओ यहां पर हो जाएगा क्या माइनस एम बी कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थीटा टू माइनस थीटा वन है ना थीटा टू माइनस थीटा वन अगर मान लो कि यहां पर जो है अगर आप क्या कर रहे हो ये मान लो कि आप क्या कर रहे हो ये थी जीरो से आप थीटा पर लेके जा रहे हो मान लो कि जीरो से थीटा पर लेके जा रहे हो ठीक है या फिर थीटा से जीरो पर लेके जा रहे हो ठीक है तो आप क्या कर सकते हो थीटा टू और जगह में? आप कि से ले के जा रहे हो? जीरो से 1 पर ले जा रहे हो, हो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है अगर हम यहाँ पर मान ले कि हमारा जो थीटा वन है वो क्या है शून्य है और हमारा जो थीटा टू है वो क्या है थीटा है अगर तो इस केस में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा कार्य बराबर माइनस एम uh, बी और ये हो जाएगा क्या कॉस कॉस थीटा माइनस वन ठीक है थीटा वन के जगह में अगर हम जीरो रख देंगे तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कोण से कौन से कोण तक के लेकर के जा रहे हो ठीक है तो यहां पर ये जो किया गया कार्य है यही क्या होगा स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा तो ऊर्जा के बराबर में हम लिख देते हैं इसको यू बराबर हम जो है आपका ये वाला जो है फॉर्मूला आ जाएगा और ये किया गया कार्य ही आपकी क्या है स्थितिज ऊर्जा है इसको हम लिख देते हैं क्या माइनस

ये सदिश राशि के रूप में जब हम लिखेंगे तो ये होगा दो सदिशों का अधिस गुणनफल तो याद रखना है बल आघूर्ण के केस में दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट होता है और यहां पर स्थितिज ऊर्जा के, के केस में दो सदिशों का अधिस गुणनफल होता है तो इस बात का आप लोगों को क्या करना है बिल्कुल ध्यान रखना है ठीक है क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है साथ में यहीं पर लिख देती हूं टाउ बराबर हम लोगों को क्या मिला था एम क्रॉस बी मिला था और यहां पर धनात्मक और ऋणात्मक का भी ध्यान रखना है क्योंकि इसके केस में जब आप थीटा बराबर बराबर जीरो थीटा बराबर जो है आ, 90 डिग्री और थीटा बराबर आप 180 डिग्री रखोगे ठीक है 180 डिग्री रखोगे तो यहाँ पर थीटा बराबर जीरो के केस में केसेस भी बता देती हूँ यू बराबर यू के लिए थीटा बराबर जीरो के केस में आपका क्या आ जाएगा माइनस एम माइनस एम आ जाएगा मतलब कि जब थीटा बराबर जीरो है तो सबसे न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी क्या होगी सबसे न्यूनतम ये सारी चीजें आप लोगों ने विद्युत विध आघूर्ण के केस में स्थिति ऊर्जा कार्य सब कुछ पढ़ा है ठीक है और जब मान लो कि क्या होगा एक डिग्री होगा तो थीटा बराबर एक डिग्री के लिए क्या होता है कॉस का मान माइनस एक होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और एक डिग्री के केस में क्या हो जाएगा स्थिति ऊर्जा का मान जो है अधिकतम हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा ठीक अब ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा किया गया कार्य हम लोगों ने पढ़ लिया बल आगुण हम लोगों ने पढ़ लिया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी हम लोगों ने पढ़ ली ठीक है अब यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब हम लोगों ने पढ़ा है ठीक है ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा जहां से हम लोगों को बल आघूर्ण और स्थिति का भी मिला यहां पर एक ऐड कर सकते हो आप अक्षीय और निरक्षीय स्थिति जो कि मैं मिस कर गई थी और बिल्कुल मैं ये लिखना चाहूंगी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के केस के में जैसा कि हम लोगों ने द्विध्रुव विद्युत के केस में पढ़ाया सेम वैसे ही अक्षीय अक्षीय स्थिति में क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मैं सूत्र आप लोगों को यहां पर बता देती हूँ यू नॉट बट चार पाई दो एम दो एम बटे होगा क्या आर क्यू बिल्कुल जैसे कि आप लोगों का आ, विद्युत द्विधु के केस में होता था डेरिवेशन भी बिल्कुल सेम है इसीलिए मैं डेरिवेशन आपको नहीं बता रही हूं आपको खुद से करना है बिल्कुल सेम है आपको सिर्फ फॉर्मूला याद दिला रही हूं निरक्षीय स्थिति में क्या होता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैसे ही यहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की, की तीव्रता भी होगा क्या निरक्षीय स्थिति में म्यू नॉट और यहां पर हो जाएगा क्या आ, एम बटे आर क्या हो जाएगा एम बटे ठीक है तो बिल्कुल ये जो है बिल्कुल आप इसको नोट करके लिख सकते हो चुंबकीय तो हम यहां पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने चुंबकीय क्षेत्र की बात करी फिर चुंबकीय क्षेत्र से हम लोगों ने चुंबकीय बल पर आए कुम के नियम के जैसा ही यहाँ पर जो है चुंबकीय बल भी आप ज्ञात कर सकते हो चुंबकीय बल से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर आए तो दोनों ध्रुवों पर हम लोगों ने बी और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बाद अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का केस जो है बिल्कुल जैसा आप लोगों ने सॉल्व किया है द्विध्रुव विद्युत के केस में वैसे ही सेम आपको चुंबक के केस में भी करना है और आपको फाइनली ये फार्मूलास जो है आपको मिलेंगे पर डेरिवेशन आपको पूछता नहीं है इसलिए मैंने कराया भी नहीं है सीधे-सीधे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय निरक्षीय स्थिति का न्यूमारिकल आपको पूछता है तो आप जो है बिल्कुल बना सकते हो और इसके बाद जो है बल आघूर्ण ये इंपॉर्टेंट था बल आघूर्ण और इसके अलावा जो है हम लोगों ने सतत ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया ठीक है तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने जो है पढ़ चुके हैं हम अब हम जो है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं एक बार देख लेते हैं फिर से देख लेते हैं ठीक है चुंबकन अभी हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र की बात करी थी ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो आप लोगों को अभी काम आने वाली है अभी यहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र के बाद चुंबकन क्षेत्र की हम बात करते हैं अब यह चुंबकन क्षेत्र क्या है जैसे कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में क्या है चुंबकीय पदार्थ अगर रखा हुआ है ठीक है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर उसे चुंबकित करने वाले क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र कहते हैं जिसको एच अक्षर से प्रदर्शित मतलब कि चुंबकी है, है? किसी, चु, किसी चुंबकीय पदार्थ को हम रख देते हैं ठीक है चुंबकीय पदार्थ जैसे कि मान लो कि हम क्या कर देते हैं लोहे को रख देते हैं जिस अब जाहिर सी बात है कि जब भी कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है तो उस कृत्रिम चुंबक को लौह लौह से ही बनाया जाता है, है ना? लौह चुंबकीय तत्वों से बनाया जाता है और कुछ ना कुछ प्रोसेस करके स्थायी चुंबक का निर्माण करा जाता होगा तब उस तरीके से क्या करा जाता है चुंबकीय पदार्थ लिया जाता है जैसा कि लोहा मान लो चुंबकीय पदार्थ है अब इसको चुंबकित करने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है है ना चुंबकीय चुंबकित करने वाला ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर जब हम ये बना रहे हैं तो ये जो क्षेत्र है यही क्या कहलाता है चुंबकन क्षेत्र कहलाता है क्या कहलाता है चुंबकन क्षेत्र कहलाता है जिसको हम क्या करते हैं एच अक्षर द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं पर ये समान चुंबकीय क्षेत्र नहीं है ये चुंबकित करने वाला चुंबकीय क्षेत्र है चुंबकित करने वाला क्षेत्र है है ना जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो लोहा है वो चुंबक में बदल रहा है ठीक है तो ये चुंबकित करने वाला जो क्षेत्र है ये चुंबकन क्षेत्र कहलाता है तो थोड़े थोड़े नाम में डिफरेंस है और आई होप कि आप लोगों को, को यहां पर क्लियर हो गया होगा क्योंकि जनरली जो है कंफ्यूजन होता है बी और एच में कंफ्यूजन होता है ठीक है इसके अलावा चुंबकी चुंबकन क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने देख लिया ठीक है फटाफट से परिभाषा आप नोट कर सकते हो परिभाषा नोट कर लिया अगर आप लोगों ने तो चुंबकन तीव्रता की अब हम बात करेंगे तो चुंबकन क्षेत्र जैसे कि हम लोगों ने अभी एच के बारे में जो पढ़ा एच के बारे में जो हम चुंबकन क्षेत्र के बारे में पढ़ा तो चुंबकन क्षेत्र में स्थित जो चुंबकीय पदार्थ है ठीक है चुंबकीय पदार्थ उसके एकांक आयतन में प्रेरित एकांक एक का आयतन एकांक का आयतन मतलब एक मीटर क्यूब का अगर कोई आयतन है तो उसमें जितना भी चुंबकीय प्रे, प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय द्विध आघूर्ण एक ही होता है जैसे कि विद्युत आघूर्ण और विद्युत द्विध आघूर्ण एक ही था है ना शॉर्ट में हम उसको डायरेक्टली चुंबकीय आघूर्ण बोल देते हैं एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण को यहाँ पर क्या कहा जाता है चुंबक क्षेत्र की तीव्रता कहा चुंबकन तीव्रता कहते हैं क्या कहते हैं चुंबकन तीव्रता कहते हैं और जो चुंबकीय आघूर्ण हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जहां पर चुंबकन हो रहा है यहां पर मतलब कि कोई हम चुंबक यहां पर तैयार कर रहे हैं देखो चीजें वही है थोड़ा सा डिफरेंस कर रहे हैं डिफरेंस ये है कि यहां पर जो है क्या हो रहा है जो चुंबकीय पदार्थ है ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है जहां पर वो चुंबकीय पदार्थ जो है वो क्या हो रहा है चुंबकित हो रहा है क्या हो रहा है चुंबकित हो रहा है मतलब की उसको चुंबक के रूप में उसका निर्माण करा जा रहा है तो जब चुंबक के रूप में जब उसका निर्माण किया जा रहा होगा तो उस केस में जो चुंबकन तीव्रता है वो उसको हम क्या करते हैं आई अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी सद जिस राशि होती है और I अक्षर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं ये धारा नहीं है ये धारा नहीं है ये चुंबकन तीव्रता है क्योंकि अभी हम चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के और चुंबकन के बारे में हम पढ़ रहे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है इसका मात्रक आप लोगों को दिया हुआ है एम्पियर पर मीटर में ठीक है जल्दी से फटाफट आपको नोट करना है और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूं आ, आप लोगों को बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें क्योंकि चुंबक तथा द्रव्य में जो भी चीजें आप लोगों को पढ़ना है वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता रखा है और ये सारी चीजें भी आप करोगे कवर अभी ठीक है ओके पानी वानी पी लो थोड़ा भाई काफी देर से क्लास कर रहे हो थोड़ा पानी वानी पी लो ठीक है तो यहां पर ये जो आई हम लोगों को मिला है ये आई जो हम लोगों को मिला है ठीक है इसके पहले हम लोगों ने एच के बारे में देखा तो वो तो सिंपल ही है कि जब चुंबकीय पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं चुंबकित कर रहे हैं तो उस क्षेत्र को हम चुंबकन क्षेत्र कर रहे हैं एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर आई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो चुंबकीय आघूर्ण है जो चुंबकीय तीव्रता यहाँ पर है उसको हम क्या कर रहे हैं से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब क्योंकि हम लोगों को मिला है तो कहीं ना कहीं ये चुंबकीय आघूर्ण पर ही डिपेंड करती होगी तो ये क्या हो जाएगा एकांक आयतन हम लोगों ने लिया था अगर एकांक आयतन नहीं है तो इस केस में क्या हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण बटे वी हो जाएगा क्या हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण बटे वी हो जाएगा ठीक है आयतन है ये v क्या है आयतन v क्या है आयतन और m क्या है तो बिल्कुल चुंबकीय आघूर्ण है ठीक है यहां पर अगर चुंबकीय आघूर्ण का हम फॉर्मूला रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा m चुंबकीय प्रबलता m l ठीक है लंबाई को हम लोगों ने यहां पर l लिया है जैसे इसके पहले चुंबक के लिए हम 2l ले रहे थे तो हम लोगों ने एक ध्रुव प्रबलता गुणा क्या लिया है लंबवत दूरी तो ये क्या है एम हो गया एम इंटू एल इसीलिए हम लोगों ने रखा है आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन क्या हो जाएगा क्षेत्रफल गुणा लंबाई आयतन क्या हो जाएगा क्षेत्रफल गुणा लंबाई ठीक है दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्षेत्रफल गुणा लंबाई हो जाएगा अब यहां से ये एल और एल तो क्या हो गया कैंसल हो गया तो यहाँ पर जो चुंबकन तीव्रता है चुंबकन तीव्रता जिसको हम आई अक्षर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ध्रुव प्रबलता बटे क्या हो गया क्षेत्रफल जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं जिस चुंबकीय पदार्थ को हम लोगों ने रखा है उस पदार्थ का क्षेत्रफल ए ठीक है उस पदार्थ का क्षेत्रफल ए तो ये हम लोगों को क्या मिल गया चुंबकन तीव्रता हम लोगों को मिल गई इसका मात्रक दिया हुआ है एंपियर मीटर ठीक है चुंबकीय प्रवृत्ति किसको बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति तो किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय चुंबकन तीव्रता आई तथा चुंबकन क्षेत्र एच इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं जिसको हम क्या करते हैं ये ये जो हम बना रहे हैं ना ये एक्स नहीं है ये जो हम बना रहे हैं ये एक्स नहीं है इसको बोलते हैं काई क्या बोलते हैं इसको काई और इसको काई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है ये जो है चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात के क्या होती है चुंबक चुंबकीय चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात के बराबर होती है ठीक है और जैसे कि यहां पर जो चुंबकीय प्रेरण हो रहा होता है ठीक है यहां पर एक चीज और जो चुंबक यहां पर चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय प्रेरण ठीक है तो यहाँ पर जो चुंबकीय प्रेरण के केस में मतलब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है किसी भी चुंबकीय पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं चुंबकित कर रहे हैं जिसके लिए हम सारी ये कहानी पढ़ रहे हैं तो इस चुंबकीय प्रेरण के केस में ठीक है यहाँ पर हम लोगों को ये रिलेशन भी मिलता है जो रिलेशन किसके किसके बीच का होता है ये रिलेशन होता है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के बीच का रिलेशन होता है ठीक है क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकन क्षेत्र के बीच का रिलेशन तो यहां पर हम लोगों को ये चीज को हम यहां पर देख लेते हैं b बराबर b बराबर म्यू एच है ना म्यू बराबर आपका म्यू नॉट और म्यू आर भी हो सकता है और यहां से जो है हम b बराबर सॉरी म्यू बराबर b बटे एच भी हम क्या कर सकते हैं म्यू बराबर हम b बटे एच भी लिख सकते हैं ठीक है थीके? और यहां पर एक और रिलेशन है जो आपको फॉर्मूला के रूप में यहां पर लिख लेना चाहिए b बराबर बी बराबर जो है हमारा म्यू नॉट i प्लस एच ठीक है तो ये सारे रिलेशन आप लिख लो क्योंकि इनके रिलेटेड आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर इन फॉर्मूलाज को थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना होगा पर मैंने कोशिश किया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया मैंने यहाँ पर कि किस तरीके से किस तरीके से मतलब जो है ये सारी चीजें आई है क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब आगे तक भी बच्चों को ये क्लियर नहीं होता है कि बी और एच में डिफरेंस क्या है ठीक है और आई और एम में डिफरेंस क्या है है ना कभी हम आई लिखते हैं कभी एम लिखते हैं हम चुंबकन और चुंबकीय आघूर्ण में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा इतना आ, मतलब कि फोकस ही नहीं होता है, है समझ पाए तो इसलिए इस और चुंबकन तीव्रता का आप लोगों को ध्यान रखना है ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति है साई ठीक है तो किसी भी वस्तु के लिए इस साई का मान जो है ना इस साई का मान जो है किसी भी वस्तु के लिए क्या होता है किसी के लिए ग्रेटर देन वन होता है किसी के लिए लेस जन वन होता है और किसी लिए क्या होता है बराबर होता है और इस मान के अनुसार जो है किसी भी वस्तु की वो चुंबकीय प्रवृत्ति को दर्शाता है और ये चुंबकीय प्रवृत्ति को दर्शाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो चुंबकन होता है मतलब उस पदार्थ के कुछ प्रकार होंगे आगे पढ़ेंगे हम फिलहाल हम संबंध की बात कर लेते हैं ये बी एच और आई में जो संबंध अभी अभी जो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर जो है बिल्कुल आपके लिए छोरी के रूप में लिखा हुआ भी मैं लेकर के आई हूँ किसी चुंबकीय पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता मतलब की म्यू है ना निरपेक्ष चुंबकशीलता उस पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र चुंबकीय और चुंबकन है ना चुंबकन क्षेत्र की के अनुपात के बराबर होता है क्या होता है चुंबकन क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है स्पष्ट है कि निरपेक्ष चुंबकशीलता का मात्रक क्या है न्यूटन पर एम्पियर निरपेक्ष चुंबकशीलता का मात्र यहां पर न्यूटन पर ये एम्पियर ठीक है और ये यदि पदार्थ की यदि पदार्थ की आपेक्षिक चिंबशीलता म्यू आर हो ठीक है अभी तो हम लोगों ने यहां पर म्यू आर बराबर एक लिया था है ना यहाँ पर वैसे तो म्यू लिया है हम लोगों ने पर म्यू बराबर क्या होता है म्यू नॉट और म्यू आर ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पर आप लोग यहाँ पर से नोट कर सकते हो फटाफट से नोट कर सकते हो सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर म्यू बराबर म्यू म्यू नॉट आर होगा और फिर उसके बाद जो है हम लोगों को आपेक्षिक चुंबकशीलता और निरपेक्ष चुंबकशीलता की वजह से यहाँ पर हम लोगों को रिलेशन मिलता है ठीक है जो ये रिलेशन आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल में ज्यादातर पूछा जाता है और यहाँ पर जो है ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है अब हम जो है चुंबकीय पदार्थ अब हम इस ये जो है फटाफट फड़ से आप नोट कर लो इसके बाद इसके बाद जो है जो हम लोगों ने परिनालिका का केस देखा था चुंबकीय पदार्थ के बारे में बताऊंगी पर एक और पॉइंट आप लोगों को बताना चाहती हूं परिनालिका के केस में जब मैंने देखा था तब मैंने बताया था कि इस तरीके से अगर मान लो कि कोई परिनालिका है तो उसमें जो है एक तरफ जो है एन ध्रुव और दूसरे तरफ जो है एस ध्रुव जो है उत्पन्न हो रहे हैं ये मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से वीडियो के माध्यम से समझाया अगर 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 आप आप लोगों ने ने अभी तक नहीं नहीं देखा देखा में से किसी बच्चे ने वो लेक्चर है तो जल्दी से जाकर के आप उस वीडियो की लिंक हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगी जहां पर आपको देखना है तो बिल्कुल ये चीज भी है आप नोट कर सकते हो जब चुंबकीय पदार्थ की हम बात करते हैं जो चुंबकीय पदार्थ जिसको हम क्या कर रहे हैं चुंबकित कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम चुंबकित कर रहे हैं तो यहां पर जब हम लोगों ने चुंबकन क्षेत्र के बारे में पढ़ा था यहां पर जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था चुंबकन क्षेत्र के बारे में तो ये जो चुंबकीय पदार्थ है इसका अब हम लोगों को क्या पढ़ना है डिटेल्स पढ़ना है क्योंकि इसके रिलेटेड जो थ्योरी है वो आती है ठीक है अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूलाज आप लोगों को बताया है ये सारे फॉर्मूला के रिलेटेड आप लोगों को जो है क्वेश्चन मिल सकते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेनी चाहिए ठीक है इसके अलावा ये जो चुंबकीय पदार्थ है यहाँ पर तीन तरह के हम चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो एक होगा आपका जो है तीन तरह के पदार्थ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसके तीन प्रकार होते हैं चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय पदार्थ का मतलब जिसमें बिल्कुल लौह चुंबकत्व उपस्थित होता है निकिल कोबाल्ट लोहा इस तरह के जो पदार्थ होते हैं जिसमें चुंबकीय गुण देखे जाते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और इन चुंबकीय पदार्थ को जब हम मतलब कि मतलब कि चुंबक इनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर कि कैसा व्यवहार कर रहे हैं है ना इसको अगर हम जो है मतलब कि डिवाइड करते हैं इसके प्रकार में तो इसको तीन प्रकार से डिवाइड करा जाता है ठीक है जिसमें सबसे पहला है जिसको हम नाम देते हैं क्या जिसका हम नाम देते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थ ठीक है दूसरा जो प्रकार है वो है अनुचुंबकीय ठीक है देखो प्रति मतलब कि विरोधी होगा जाहिर सी बात है अपोजिट होगा है ना बिल्कुल आपको नाम से मतलब समझना है अपोजिट होगा अनुचुंबकीय ठीक है अनुकूल होगा थोड़ा बहुत अनुचुंबकीय पदार्थ और होगा तीसरा क्या लौह चुंबकीय पदार्थ ये तो पूरा का पूरा अनुकूल होगा कंप्लीट स्थाई चुंबक बनाने के लिए हम लौह चुंबकीय पदार्थ का क्या करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ का हम इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल इस तीनों प्रकार के बारे में ही हम लोगों को क्या करना है इस चुंबकीय पदार्थ के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को इन तीनों पदार्थ के बारे में ही पूरा जो है डिटेल्स पढ़ना है तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हम प्रति चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे इस प्रति पदार्थ प्रति का मतलब बिल्कुल विरोधी यहाँ पर गुण पाया जाएगा है चुंबकीय पदार्थ पर इसका जो चुंबकीय गुण है चुंबकीय व्यवहार के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है तीन वर्गों में बांटा है ठीक है तीन वर्गों में हम लोगों ने बांटा है तो यहाँ पर जो है बिल्कुल थोड़ा विरोधी गुण दिखा जाएगा इसको प्रति चुंबकीय इसीलिए नाम दिया गया है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डाय मैग्नेटिक सब्सटेंस ठीक है पदार्थ का मतलब होता है सब्सटेंस डाय मैग्नेटिक मतलब डाया मतलब प्रति ठीक है, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय पदार्थ हम तो हम बोलते हैं। अगर हम इसको देखें कि ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि वह पदार्थ जो किसी प्रबल चुंबक के सिरों के पास लाने पर जैसे कि मान लो कि यहां पर मेरे पास क्या है कि कोई भी प्रबल चुंबक है और यहां पर मैं मान लो क्या कर रही हूं कोई भी चुंबकीय पदार्थ लेकर के आ रही हूं ये क्या है चुंबकीय पदार्थ है तो किसी प्रबल चुंबक के पास में किसी चुंबकीय पदार्थ को लेकर के आ रही हूं तो यहां पर क्या देखा जाता है हल्का सा प्रतिकर्षण गुण देखा जाता है मैंने पहले ही बोला था प्रति का मतलब होता है क्या विरोधी ठीक है है प्रति का मतलब होता यहाँ पर विरोधी जब भी हम लोगों को किसी के विरोध में कुछ आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा ठीक है तो यहां पर क्या है हल्का सा प्रतिकर्षण का गुण जो है देखा जा रहा है इसलिए इस चुंबकीय पदार्थ को हम प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं है तो चुंबकीय पदार्थ पर थोड़ा सा यहाँ पर प्रतिकर्षण का गुण देखा जाता है जिसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं अगर हम कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र लेते हैं और बाह्य विद्युत क्षेत्र पर रखे जाने पर क्या होता है पदार्थ के क्षेत्र के विपरीत दिशा में अल्प चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है मतलब की जो प्रतिकर्षण का गुण देखा जाता है इस प्रतिकर्षण के गुण की वजह से यहाँ पर चुंबकत्व उत्पन्न तो होता है है। लेकिन किधर विपरीत दिशा में किस दिशा में विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकत्व उत्पन्न होता है मतलब यहां पर भी क्या होगा यहां पर चुंबकत्व होगा पर इस चुंबक के विपरीत दिशा में ठीक है इस चुंबक के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में क्या होगा अल्प चुंबकत्व उत्पन्न होगा ठीक है और यहां पर इस प्रबल चुंबक की वजह से यहां पर जो भी अल्प चुंबकत्व विपरीत दिशा में जो प्राप्त होगा ठीक है अब जाहिर सी बात है इसके क्षेत्र की जो तीव्रता है इसके क्षेत्र की जो तीव्रता या फिर इसके क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होगा आ, मान लो कि ये चुंबक में जो है जो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां पर रखी है ठीक है मान लो कि इस दिशा में यहां पर क्या रखा हुआ है इस दिशा में आपका चुंबकीय क्षेत्र है ठीक है इस चुंबक के कारण इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है ठीक है तो इसके विपरीत दिशा में वहां पर क्या उत्पन्न होगा अल्प चुंबकत्व उत्पन्न होगा यह गुड़ मतलब कि जो गुण इस, या इस तरह का जब गुड़ किसी चुंबकीय पदार्थ में देखा जाता है तो वो प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाता है जैसे कि आ, मतलब कि मान लो कि कोई भी यहाँ पर कुछ वस्तु है तो बिल्कुल वो बाहर बाहर से प्रतिकर्षण करते हुए इस तरीके से चला जाएगा इस तरीके से बाहर से क्या होगा प्रतिकर्षित होकर चला जाएगा ठीक है अगर मान लो कि है तो ठीक है वैसे ये डायग्राम से अच्छा मुझे लगता है कि ये डायग्राम वैसे आप लोगों को बुक में मिलता तो है पर उसको देख करके चीजें जो है क्लियर समझ में नहीं आती है यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक एक चीज क्लियर बता दिया है कि यहाँ पर चुंबकन जब हम चुंबकन कर रहे चुंबकित कर रहे हैं जब चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है चुंबकन क्षेत्र मतलब उत्पन्न हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न होगा हो वो जो भी हम समान चुंबकीय क्षेत्र लिए हैं उसकी विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा ये प्रति चुंबकीय हो गया अब इसके आगे अनुचुंबकीय पदार्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम क्या करते हैं प्रबल चुंबक के पास किसी चुंबकीय पदार्थ को लेकर के जाते हैं तो थोड़ा सा आकर्षण का अनुभव होता है क्या होता है थोड़े से आकर्षण का अनुभव होता है तो देखो इसके पहले क्या हो रहा था प्रतिकर्षण यहां पे मैंने बोला ना अनुकूल अनु मतलब कि अनुकूल है है ना अनुकूल है एडजस्ट हो जा रहा है उसी के डायरेक्शन में जो है यहां पर जो है आकर्षण में जो है आकर्षण का अनुभव हो रहा है उसी के डायरेक्शन में होगा अब यहां पर मान लो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब हम इसको रखते हैं तो बाह्य क्षेत्र की दिशा के क्या होगा छेड़ चुंबक मतलब छेड़ चुंबक मतलब कि थोड़ा सा चुंबकत्व मतलब थोड़े से देर के लिए छेड़ चुंबकत्व ऐसा चुंबकत्व जो खत्म हो जाता है खत्म होने वाला मतलब खत्म होने वाला चुंबकत्व यहाँ पर प्राप्त कर लेता है मतलब चुंबकित्व तो होता है पर थोड़ा सा एकदम हल्का सा आकर्षण का गुण देखा जा रहा है ना इसीलिए ये क्या कहलाता है जो है अनुचुंबकीय कदम कहलाते हैं पदार्थ द्वारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य क्षेत्र की दिशा में किसकी दिशा में बिल्कुल बाहर सेम दिशा में मतलब कि यहाँ पर अगर चुंबक रखा हुआ है ठीक है अगर इस चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है ठीक है ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ठीक है तो यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं चुंबकीय पदार्थ हम ले रहे हैं तो यहाँ पर जो चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न होगा एच वो क्या होगा एक जैसे दिशा में होगा चुंबकन क्षेत्र कैसे होगा एक जैसी दिशा में होगा पर ये थोड़ी सी देर के लिए होगा छीण चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं हल्का सा आकर्षण देखा जाता है ठीक है? तो ये हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ अब जब हम लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं तो ये ऐसा पदार्थ है जिससे हम स्थायी चुंबक का कर निर्माण करते हैं क्योंकि ये एकदम मतलब पूरा का पूरा जो है इसमें एकदम से चुंबकीय व्यवहार देखा जाता है तो प्रबल चुंबक के जगह अगर हम छेड़ चुंबक मतलब अगर थोड़ा सा चुंबकत्व भी अगर हम रख देना थोड़ा सा चुंबक भी ले ले प्रबल चुंबक लेने की जरूरत नहीं है प्रबल मतलब एकदम जिसका पावरफुल चुंबक हो वैसा चुंबक भी नहीं छेड़ चुंबक भी अगर हम लेंगे ना फिर भी यहाँ पर क्या देखा जाता है हल्का सा नहीं पूरा का पूरा आकर्षण अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है पूरा क्या देखा जाता है पूरा का पूरा आकर्षण का यहां पर अनुभव किया जाता है तो ये क्या कहलाता है लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है क्या कहलाता है लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व देखो यहां पर क्या हो रहा है छेड़ चुंबकत्व नहीं यहां पर छोटा सा भी चुंबक है उसके बावजूद ये जो चुंबकीय पदार्थ है वो क्या करेगा छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र भी है तो यहाँ पर फिर भी क्या होगा प्रबल चुंबकन क्षेत्र बहुत ही स्ट्रांग

तो ये जो विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट आप चित्र में यहां पर देख सकते हो बिल्कुल ये परिणालिका ही है बिल्कुल जब तक कि हम विद्युत धारा का यहां पर प्रवाह करते हैं तो अस्थायी रूप से ये चुंबक बन जाते हैं क्या बन जाते हैं अस्थाई चुंबक ठीक है तो ये जो अस्थाई चुंबक है जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के वजह से बनते हैं ठीक है इन्हीं को हम क्या कहते हैं विद्युत चुंबक कहते हैं क्या कहते हैं विद्युत चुंबक कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से हम जानते हैं बिल्कुल आप चित्र में बहुत अच्छे से देख पा रहे हो इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट मशीन्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं आप लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर आप पढ़ोगे या पढ़ चुके होंगे वहां पर आप लोगों ने जो है एसी

यहां से जो है हम यहां पर सप्लाई कनेक्ट करेंगे बैटरी से सप्लाई जब कनेक्ट करेंगे ठीक है ये बैटरी हमने लगा दिया जिससे हम यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं एक कुंजी हम लोगों ने लगा दी ठीक है और यहां से क्या कर सकते हैं रियोस्टेट से हम यहाँ पर विद्युत धारा को कम ज्यादा कर सकते हैं जिससे यहाँ पर जो चुंबकत्व है उसको भी हम क्या कर सकते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर इस विद्युत धारा को मतलब यहाँ पर कुंजी को ऑन करेंगे चालू करेंगे तो यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह शुरू होगा और ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट

के बारे में पूछता ही पूछता है तो वही सारी चीज लिखनी है जो भी आप लोगों ने परिणाम में पढ़ रखा है ठीक है बेटा तो आपको मैंने ये पूरा चैप्टर फिनिश करवा दिया है आज के इस वन शॉट में सारा कुछ आपको समझा दिया है जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो भी सब कुछ मैंने आपको बता रखा है कि क्या थ्योरी में पूछेगा क्या न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में पूछेगा और ये काफी स्कोरिंग चैप्टर है और काफी छोटा चैप्टर है तो इस चैप्टर को जरूर आप अच्छे से कर लेना इस वीडियो की लिंक आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर शेयर करना हो अगर आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी तो बिल्कुल आप लोगों को जो है नीचे आप लोगों को बहुत सारी स्माइली के साथ कमेंट लिख करके जरूर करना है लाइक करना है वीडियो को और बिल्कुल हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बच्चों